Out and it's a wicket! It's a wicket! Yes, Gill का मैंने दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. So दफ्ती का फॉर्म में, न्यूजीलैंड फॉर्म में. हार गए. Assalamualaikum, welcome back to my new vlog, 30 days, 30 vlogs, challenges on. आज के व्लॉग की एंडिंग या तो बहुत सैड होनी है या बहुत हैप्पी होनी है, क्योंकि इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. लेकिन एक मसला है कि ये व्लॉग मैं फर्स्ट इनिंग्स के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ. पाकिस्तान ने टारगेट दिया 193 रन्स का, जो कि बहुत कम लग रहे हैं फिलहाल. और ये व्लॉग मैं इसलिए फर्स्ट इनिंग्स के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले पाकिस्तान इतनी अच्छी बैटिंग कर रही थी कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग स्टार्ट करूँ, और बाद में इतनी ख़राब की कि उठने का दिल ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग स्टार्ट करने का दिल ही नहीं कर रहा था. तो बस क्या करें, अब टाइम मिला तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ. कुछ लोगों को अभी लगेगा इसके बीच में कि यार मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ अगर मैं विकेट पे ज़्यादा सेलिब्रेशन करूँ, लेकिन वो ओवर एक्टिंग नहीं होगी, वो मेरे अंदर का क्रिकेट फ़ैन होगा, मुदस्सिर द क्रिकेट फ़ैन. अब अगर पहले बॉल पर शाहीन बोल्ट करेगा तो नाच माच चीखे मीखे तो मारेंगे ना. ऐसा नहीं कि लोग कमेंट करें कि यार ओवर एक्टिंग कर रहे तू, ओवर एक्टिंग नहीं होगी, वो हम खुशी से चीखे मीखे मारेंगे. फिलहाल नहीं लग रहा कि हम चीखे मीखे मार पाएंगे. खैर, साथ साथ में मैच में एनालिसिस भी करेंगे, किस बंदे ने क्या गलती की, कौन सा बॉलर क्या गलती कर रहा है, या मैच फिक्स है जैसे अभी बहुत लोग कह रहे हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता, बॉलिंग से अंदाज़ा हो जाएगा, फील्डिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हिसाब है. अभी जाते हैं टीवी वाले कमरे में, फिलहाल तो इनिंग्स ब्रेक है. इनिंग्स ब्रेक ख़त्म होते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं. ये आप मेरे टीवी का रिमोट देख ले पहले, इसकी आगे पीछे बॉडी नहीं है, बस सिर्फ ये चीज़ है लेकिन काम करता है. इनिंग स्टार्ट होने के बाद मिलते हैं. तो सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रहा है, शर्मा और गिल निकले हैं, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के लिए रेडी है. मैं प्रेडिक्शन करता हूँ जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान मैच जीतेगा. अनलेस पाकिस्तान बहुत कैचेस ड्रॉप करे और मैच फिक्स हो. शाहीन शाह रनिंग, क्रॉस इज द एम्पायर और शर्मा ने छक्का, चौका. हालात खराब हो गई, मतलब बॉलिंग तो अच्छी करो ना अगर बैटिंग अच्छी नहीं करी. पहले वॉल पे चौका लग गया. आउट एंड इट्स अ विकेट, इट्स अ विकेट, यस गिल का. मैंने कहा कि कैच मिस कर दिया यार. 23/1, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बॉयज, इंशाल्लाह वी विल विन इंशाल्लाह. मैं रुक गया एक सेकंड के लिए, मैंने कहा कि कैच मिस हो गया यार. उफ, शादाब विद द ब्यूटी शाहीन शाह द ग्रेट. कोहली की विकेट चाहिए भाइयों, कोहली की विकेट चाहिए. A few moments later. रन आउट बच गया. इंडिया जीत रहे बहुत आसानी से क्योंकि 8/70 रन है और सिर्फ एक आउट है. और दुनिया के दो बेस्ट बैट्समैन खड़े हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सो नॉट एनी चांस हियर. रन आउट बच गया यार भाई, कोहली आउट हो गया, वी स्टिल हैव अ चांस. 79 पे दो आउट, अल्लाह खैर करे. ये मेन विकेट थी, अगर पाकिस्तानी टीम बाबर आजम के आउट होने के बाद कोलैप्स कर सकती है तो इंडिया भी विराट कोहली के आउट होने के बाद कोलैप्स कर सकती है इंशाल्लाह. बस बाकी कौन रहेगा यार, रोहित शर्मा है खड़े, श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है, जडेजा है, बैट्समैन है, लेकिन हम फिर भी जीत सकते हैं. शाहीन शाह थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है, एक विकेट दिया लेकिन ऑफ कलर लग रहा है, जो कि मसले की बात हो सकती है. शादाब का चलना जरूरी है, अब शादाब आ जाए और 3 विकेट एक ओवर में ले ले, नाचूंगा इधर नाचूंगा, ब्रेक डांस करूंगा अगर शादाब ने एक ओवर में 2 विकेट भी ले ली. 3 तो मुश्किल बात है, इंडिया सामने अगर 2 विकेट भी ले ली डांस है, 1 भी ले ले बड़ी बात है. आगे देखते हैं होता है क्या, ज्यादा खुशी नहीं मनाते क्योंकि अभी भी इंडिया ड्राइविंग सीट पर है इस मैच में. रोहित शर्मा भी आउट हो गया लेकिन मेरे ख्याल से अब कोई फायदा नहीं है, 36 रन होने रहते 156 पे, वो कड़े इजी सीन्स है इंडिया के लिए. गलतियाँ क्या है, हमारे प्लेयर्स इंटेंट शो नहीं करते, जो सबसे बड़ा मसला है मेरे ख्याल से. क्योंकि यार 30 ओवर में 150 रन है हमारे, छक्के मारो ना आप. हार्दिक पांड्या, कुलदीप, इनसे आपने भाप बनाया है, बंदा क्या कहे. बाकी कुछ लोग कह रहे फिक्स है क्योंकि ट्रेंडिंग भी में भी चल रहे फिक्स ट्विटर पे, तो क्या कहे बंदा, लग तो फिक्स ही रहा है. जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन ने विकेट थ्रो की है,
मतलब सोच शकीर हम बोलते बहुत क्लास है आए और कुलदीप को विकेट दिए। इसके अलावा इफ्तिखार हम कहते कि चचा ये इफ्तिमेनिया आए और किस तरह उसने विकेट गिफ्ट किया है, खुद ही अपने ग्लव्स पे विकेट तक बाल लाए। हमारे ऑलराउंडर्स को बैटिंग नहीं आती, ऑलराउंडर्स नाम के सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं। हेटर्स को हेटर्स जब बोलते हैं कि बाराजम ने दोस्ती पे टीम सेलेक्ट की है, फिर हम बोलते हैं कि यार हेटर्स गलत बोलते हैं। अगर ये रिजल्ट मिलेगा तो बाराजम को भी खतरा होगा। खैर अभी भी दुआ करते काश जीत जाए। 36 रन रहते हैं, एक हैट्रिक हो गई, कुछ भी हो सकता है लेकिन नहीं होगी। एक बात बताऊं, 1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान हारा था इंडिया से। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। खैर अब जो सबसे अच्छा पाकिस्तान के लिए होगा वो यही होगा कि आप दो तीन क्विक विकेट्स लो ताकि रन रेट तो इतना डैमेज ना होना। आगे न्यूजीलैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सारे बड़े मैचेस रहते हैं। अगर रन रेट अभी से डैमेज हो गया तो मसला बनेगा। अल्लाह खैर करे, देखते हैं पाकिस्तान क्या करते हैं। इंडिया ने 36 रन विद 7 विकेट्स इन हैंड और ओवर्स तो कोई 30 ओवर पड़े और मैच वर्ल्ड गया, पाकिस्तान हार गया। इंडिया का वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ 8-0 का स्ट्रीक हो गया। WWE में अंडरटेकर का कोई 2021 स्ट्रीक था। इंडिया हमारे अगेंस्ट वो बनाने जा रहे हैं। खैर सुबह से जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरी थी उस वक्त से सब कुछ ख़राब ख़राब लग रहा था, तो मैंने भी अपने लिए बर्गर्स वर्गर्स मंगवा लिए थे। मैंने कहा कि कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना, इतना अच्छा दिन था, हमने सोचा तो पाकिस्तान जीत लेगा, हम मज़े करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम ने मूड ख़राब कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि क्रिकेट तो आनी जानी चीज़ है, बर्गर खाते हैं मज़े उड़ाते हैं। खैर बर्गर को साइड पे रखते हैं, हार का जिम्मेदार कौन? मेरे ख्याल में सबसे पहले इंटेंट की कमी जो कि मैंने बताया वीडियो में, उसके अलावा स्पिनर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ना होना फहीम अशरफ जो कि कच्चा चॉइस हो सकता था, उसके अलावा जो हमारे पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है, मतलब शादाब नवाज जिसे हम बॉलर समझ सकते हैं, ऑलराउंडर्स हम इन्हें नहीं मानते। इन्होंने कब बैटिंग किया हमारे लिए कोई 60-70 रन बनाए हो? हाँ नवाज ने एशिया कप में आखिरी दफ़ा कोई 2 साल पहले किया था। ऑलराउंडर्स नहीं है हमारे साथ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हमारे साथ नहीं है। न्यू बॉल बॉलिंग भी आजकल बिल्कुल ख़राब हो रही है। जो न्यू बॉल बेस्ट बॉलर था वो आजकल पहले ओवर में 2-2 चौके का रहा है, शाहीन शाह। नसीम शाह की कमी महसूस हो रही है और वही पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जब नसीम शाह इंजर्ड हो गया था। रन रेट के भी डैश लग गए, क्योंकि रन रेट अगर 30 ओवर में इंडिया ने चेस कर लिया 31 ओवर में तो रन रेट भी उड़ गया, सब कुछ ख़राब है। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, मतलब रन रेट के बाद सब कुछ उड़ गया। और इंडिया से जब हम मैच हारते हैं अगले 2-3 मैच तो हमारे सेट होने में लगते हैं, और अगला मैच इंडिया के साथ है, साउथ अफ्रीका फॉर्म में, न्यूजीलैंड फॉर्म में, हार गए। क्या करें हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बैड डे सैड डे, वाओ राइमिंग वर्ड्स, बैड डे और सैड डे। मैच आ गए, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम विल कम बैक, और अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है पाकिस्तान की टीम तो फिर कहीं ना कहीं इस हार का दुख कम हो जाएगा, क्योंकि हमें इंडिया को हराना मकसद नहीं था, हमारा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना मकसद है और फाइनल जीतना मकसद है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जिसमें इंडिया से जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बड़ी बड़ी टीमों से हमारे मैच रहते हैं। लेकिन अगर हम अभी ये मैच हार गए तो अभी ऑस्ट्रेलिया से जीते तो हार का दुख कम हो जाएगा, क्योंकि सेमीफाइनल में फिर पहुँचने का चांस है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी और सेमीफाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वर्ल्ड कप्स में, बस ऑस्ट्रेलिया को हराना है। इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और इंडिया वालों से ये बदला सेमीफाइनल या फाइनल में लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात आई फिक्सिंग पे, वही बात है, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जीत गया है, वेरी वेल प्लेड इंडियंस। इंडिया की बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट है। फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कम्बिनेशन देख के, उनके ऑलराउंडर्स देख लें, शार्दुल ठाकुर, जडेजा, आश्विन एक्सेट्रा, सारे बिल्कुल फॉर्म में भी है, सारे बिल्कुल। वो लोग कंडीशंस को देख कर टीम सेलेक्ट करते हैं, कभी आश्विन को अंदर करते हैं, कभी ठाकुर को अंदर करते हैं, कभी शामी को अंदर करते हैं। सो वेल प्लेड इंडिया, जो भी अच्छा खेले वही वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान जीते। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। डेली व्लॉगिंग का सीन स्टार्ट है 30 दिनों के लिए। अल्लाह हाफिज़।